जय भीम, इस तरह की किसी भी मन से बोलने का मेरा पहला मौका है, तो ज्यादा मुझे समझ नहीं है, तो प्लीज कुछ गलत हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं देश के हालात के ऊपर चर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी, बल्कि उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना चाहूंगी कि क्यों कुछ मुट्ठी भर लोग इतने ताकतवर हो गए हैं और कैसे 80% लोग उनके गुलाम बन गए हैं। इसके लिए शायद हम भी काफी हद तक दोषी हैं, क्योंकि ना तो हम उस तरीके से पढ़ते हैं और ना ही अपनी पढ़ाई लिखाई के महत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपना इतिहास हमें खुद भी लिखना होगा, उसके लिए प्लीज पढ़िए, और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, दूसरों को एजुकेट करने के लिए भी पढ़िए। मैं कुछ अपने विचारों के थ्रू ये बात खत्म करना चाहूंगी। आज मैंने भी मरने का इरादा कर लिया, संस्कारवाद के विरोध में अपना स्वर तीखा कर लिया। आज सबक नया ये मैंने याद कर लिया, आज मैंने भी मरने का इरादा कर लिया। और कितना डराओगे अब तुम मुझे कि मैं खुद तैयार हूं अब मरने के लिए, कि अब नया इतिहास रचने का इरादा कर लिया, आज मैंने भी मरने का इरादा।